सेवन टाइगर, जिसे धरती की सबसे खतरनाक प्रीहिस्टोरिक कैट माना जाता है। जब पहली बार वैज्ञानिकों को इसकी फॉसिल सन 1830 में मिली, तब उन लोगों ने यह दावा किया ये जीव 2.5 मिलियन सालों से लेकर 10,000 साल पहले तक इस धरती पर राज किया करता था। लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ था जो 10,000 साल पहले ये अचानक गायब हो गया? वेल, हाल ही में हुई ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर एंशिएंट डीएनए की रिसर्च के मुताबिक सेबरटूथ टाइगर की विलुप्ति का असली कारण था क्वार्डिनरी एक्सटिंक्शन। दरअसल प्लास्टिसिन पीरियड के लास्ट स्टेज आते आते धरती की हीट बढ़ने लगी थी और उसी क्लाइमेट चेंज के कारण वूली मैमथ, ग्राउंड स्लोथ्स और बाइजन जैसे बड़े बड़े जानवर विलुप्त होने लगे जो इनके मुख्य शिकार हुआ करता था। और इन्हीं जानवर के कमी की वजह से इनकी भी संख्या घटने लगी। साथ ही कुछ वैज्ञानिकों का ये भी दावा है, जब इंसानों ने अमेरिका में कदम रखा तब शिकार के लिए इंसान और इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगी और इसी वजह से ये एक दूसरे का शिकार करने लगे थे। इंसान इनका शिकार भोजन के लिए तो नहीं बल्कि ये अपने बचाव के लिए किया करते थे और यही इनकी विलुप्ति का सबसे बड़ा कारण बना। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले।